Now we'll talk about कैसे कर सकते हैं, what is the possibility? ऐसा कर सकते हैं, है ना, नाक से इनहेल करके नाक से एक्सहेल कर सकते हैं, मुंह से इनहेल करके मुंह से एक्सहेल कर सकते हैं। अभी तो मैं तो मेरे तो मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, तो शोल्डर और सब मूव कर रहे हैं, पर कई लोगों का क्या होता है बहुत शैलो है ना। अभी इसमें क्या हो रहा है, मेरा गले से नीचे भी नहीं जा रहा। अभी अपन एक बात करते हैं, एवरीवन नोज, एवरीवन हैज डन दिस व्हेन दे वर किड्स, राइट? लाइक व्हेन यू वाटर सम प्लांट्स, वी हैव अ पाइप एंड देयर इज अ वाटर कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग, इट्स वेरी रिलेटेड टू आवर ब्रीदिंग पैटर्न एंड लंग्स। तो वाटर इज लाइक वी आर गिविंग वाटर, बट व्हाट हैपेंस व्हेन समवन स्टेप्स ऑन द पाइप, अगर कोई किसी को पैर रख देता है पाइप के ऊपर तो क्या होता है, पानी आना बंद हो जाता है, होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। तो अपन, मैं पानी दे रहा हूँ, अब आप आए पीछे से, आपने पैर रख दिया, मैं पानी नहीं आ रहा यार, तो अभी क्या वो पानी नहीं आ रहा, अब चलेगा क्या कि अगर आपने पैर रखा हुआ और मैं फिर भी पाइप घुमा रहा हूँ, नहीं चलेगा ना, पानी नहीं गया ना, मेरा एम क्या था, पानी देना था। तो अपना एम क्या, जब अपन रनिंग कर रहे हैं, लंग्स तक एयर पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है। अब पहली चीज है, जाने दो कैसे आप ब्रीथ करो, बट पहली चीज है लंग्स तक पहुंच रही है। और उसका एक वे है, जब अगर आप खुल के ब्रीथ कर रहे हो, आपकी चेस्ट, क्योंकि जब ब्रीथ कर रहे हो ना, तो जितना एरिया है ना इसके अंदर, अगर एक डब्बा है और डब्बे के अंदर ज्यादा चीज भरनी है, तो डब्बा थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, है ना। अगर एक थैली है बंद है, उसके अंदर जब सामान डालना शुरू करोगे, थैली ओपन हो जाएगी, होगा ना ऐसा, तो एवरीवन अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो जब आपकी एयर अंदर जा रही है, कई लोग जब आप देखोगे ना ब्रीथ करके, कोई भी वीडियो देखना, कोई भी फोटो देखना, ऑलवेज इट्स वेरी गुड टू एनालाइज अदर्स। अब इसमें क्या हो रहा है, सांस तो जा ही नहीं रही अंदर, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं सांस ले रहा हूं और मैं थक रहा हूं, मैं थकूंगा ही ना, लंग्स को सांस चाहिए, सांस नहीं जा रही। तो अभी एक बार सब लोग एक बार पहले ऐसा करते हैं, जो आई मीन इफ यू गाइस कैन टर्न ऑन द कैमरा अदर्स आल्सो, इट वुड बी मच बेटर। तो इट वुड बी लाइक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा साथ साथ में, बहुत कुछ कवर करने को है, बट टुडे आई एम जस्ट कवरिंग 10 मिनट्स बेसिक, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रीथ, सो वी विल ब्रीथ इन फ्रॉम द नोज, वी विल एक्सहेल फ्रॉम द माउथ, और ट्राई करो। अभी अगर नहीं उतना होता ना ओपन, बट फोर्स करो, डोंट डू, गले को ऐसे मत रखना, क्यों, अगर गले को ऐसा रखा ना, मतलब जो ये पाइप जा रहा है ना, आपने पैर रख दिया उसको, सीधा रखो, सीधा देखो, सीधा देखो और सीधा बैठो, बिल्कुल सीधा पीठ रखो, शोल्डर बिल्कुल ऐसे रखो, जितना सांस ले सकते हो, ये सबके बेटरमेंट के लिए है, कुछ ऐसा नहीं है, सब सीखा हुआ है तो भी बेटर है, मतलब जितना आवाज भी आ सकता है। जब सांस ले रहे हो तो मुंह को बंद रखो, पता है साइकोलॉजिकल रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, इतना इजी नहीं है, मैंने बोला सांस ले लो सांस, अभी सोसाइटी अपने को क्या बोलती है, साइकोलॉजिकल रीजन की बात करो, एक तो फिजिकल है, वन थिंग इज फिजिकल, वन इज साइकोलॉजिकल। सोसाइटी क्या बोलती है, तेज मत बोलो, डोंट स्पीक लाउड, डोंट ब्रीथ, तुम सांस ले रहे हो, लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, जैसे खराटे लेते हैं लोग, तो भी बोले लोग डिस्टर्ब। तो जब अपन रनिंग भी करते हैं ना, कोई डिस्टर्ब नहीं हो जाए, अपने दिमाग में रहता है, इट्स साइकोलॉजिकल थिंग ना, तो वी डोंट इवन सिट कि हम राजा की तरह बैठे हैं, वी डोंट इवन ओपनली सिट, अपन शोल्डर्स भी ऐसे नहीं करेंगे। कई बार होता है अपन कैसे बैठते हैं, अपन कभी सोचना, कभी देखना खुद को ना, आई मीन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ऑफिस यू सी लाइक, क्योंकि सोसाइटी टेल्स यू डोंट ओपन अप, डोंट स्पीक अप, डोंट बी लाउड, डोंट कॉन्ट्रैक्टेड, राइट? अपन कहते हैं डरे हुए, मैं सही कर रहा हूँ क्या, बॉस क्या बोलेगा क्या, तो अपन क्या करते हैं ऐसे, और वही चीज आ जाती है अपने रनिंग में, वही चीज आ जाती है अपने साइकिलिंग में, ये चीज अपने को मार देती है, 10-10, 20-20 मिनट अपने को कहती नहीं, 5 किलोमीटर 5 से ज्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बॉस ने बोला था तुम्हारा इतना ही लेवल है, तुम प्रमोशन डिजर्व करते नहीं हो, ये तुम्हारी सैलरी है, तुम ये हो, तो तुम ये क्यों मर रहे हो, ये जॉब के लिए रखा है ना, जॉब साइकोलॉजिकल ना, वो चीज दिमाग में फिट होती है। तो एक तो चीज है, तो अपन बैठते भी जब है ना, अभी अगर मैं बैठा हुआ, मेरे को खुद पे बहुत काम करना पड़ा, मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान था, अभी अगर मैं बैठा हुआ तो मैं सीधा बैठा हूं, मैं ऐसे नहीं बैठा, I'm sitting straight. जब मैं सांस लूंगा, I'm not thinking about anything ना, तो ऑलवेज खुद को कैच करना ना, आई मीन अभी तो मैंने बोला है तो सब सीधा बैठेंगे, बट एवरी 5 मिनट एवरी 10 मिनट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अपन ने पहली चीज क्या सीखी, अब ये तो अपन ने लिया बैठे बैठे,
अब ये रनिंग से कैसे लिंक होगा, है ना, ये बेसिक है. एंड देन वी विल कवर ब्रीदिंग पैटर्न्स आल्सो, वी विल एक्सटेंड बाय लाइक 5-10 मिनट्स. आई मीन आई होप लाइक इट इज समथिंग न्यू फॉर लर्निंग. वी विल एक्सटेंड लाइक 5-10 मिनट्स, वी विल टॉक लाइक अबाउट दिस. तो अभी अपन इसको कैसे करेंगे, जब अपन भागते हैं तो अपन कैसे करते हैं, पहला फुट दूसरा फुट राइट लेफ्ट. देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका तो नहीं भागने का. आगे जाना है, एक जगह खड़े में आगे जाना है तो एक फुट रखना पड़ेगा, दूसरा रखना पड़ेगा, फिर वापस वही रखना. ऐसा तो नहीं कर सकते अपन हॉप करके जा रहे हैं, कूद गया राइट रखा फिर वापस राइट रख रहे हैं, नहीं ना, राइट रखा लेफ्ट रखा राइट रखा लेफ्ट रखा. सो वी हैव टू डू राइट लेफ्ट. देयर इज नो अदर वे राइट. अभी कुछ लोग धीरे चल रहे हैं, सम पीपल आर स्लो, दे आर लाइक राइट लेफ्ट. तो कुछ लोग क्या धीरे हैं तो, और कुछ लोग फास्ट है. अब अगर आप किपचोगे को भी देखोगे तो वो भी राइट लेफ्ट रख रहा है. अगर आप उसेन बोल्ट को देखोगे, आई मीन वो स्प्रिंटर है, वो मैराथनर है, अब वो भी राइट लेफ्ट, कोई और तरीका तो नहीं है. अब क्या होता है, अगर आप चाहे धीरे कर रहे हो चाहे आप तेज कर रहे हो, दैट इज सेकेंडरी. बट आप रख रहे हो राइट रख रहे हो लेफ्ट रख रहे हो. अभी अपन ने जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, अभी अगर अपन एक बेसिक पैटर्न देखते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, अभी अपन ने किया था डीप ब्रीथ. अभी अपन इसी को पैटर्न बना सकते हैं. अपन इसको पैटर्न कैसे बना सकते हैं, है ना, ये सब प्रैक्टिस करना है. आई मीन यू गाइस शुड प्रैक्टिस दिस आफ्टर वर्ड्स. अभी एक बार ट्राई कर लेना एंड बाद में भी करते रहना, ये चीज डेली करना. जो नेक्स्ट सैटरडे को अपन मिलेंगे, विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, ये सब, है ना. तो वी डू सेम थिंग. ये चीज ध्यान में रखना कि इट शुड बी ओपन, पाइप पे पैर नहीं रखना, नहीं तो पानी नहीं आएगा, वो चीज ध्यान रखना. ये एक हुआ, बट सेम थिंग पैटर्न. जो धीरे चल रहा है, जो तेज चल रहा है, जो बहुत तेज भाग रहा है, अभी जब पैर रख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप बैठे बैठे पहले प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट स्टेप सिंक करना, राइट. अभी मैं हाथ से बता रहा हूं, मुझे पैर से करना ना, बाद में अपन थोड़ा आउटडोर में भी करेंगे सेशंस, ओपन मतलब लाइव सेशन बट आउटडोर में ना, उसके साथ में, तो वी मूव टू एडवांस लेवल. बट समझ रहे हो ना, मतलब ये मेरा राइट पैर है, ये मेरा लेफ्ट पैर है. वैसे अभी कोई बहुत धीरे चलता है, डज नॉट मैटर, ब्रीदिंग हमेशा चाहिए बॉडी को, लंग्स को ऑक्सीजन हमेशा चाहिए. तो देख रहे हो मैं इस पे कर रहा हूं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये चीज मैं कर रहा हूं, है ना. आप कहोगे मैं तो तेज भागता हूं, मैं धीरे थोड़ी हो जाऊंगा. इससे क्या होगा, जो चीज थकाती है अपने को, व्हाट मेक्स अस टायर्ड, वी रन आउट ऑफ ब्रेथ. वी डू 1 किलोमीटर, वी डू 5 किलोमीटर, मेरा हमने सांस नहीं आ रहा यार, हाफ राउंड में मेरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मेरे अस्थमा है, ऑल दीज थिंग्स दैट कम अप राइट. जितना मैं भाग रहा हूं और जितना ऑक्सीजन चाहिए लेता जा रहा हूं, जितना ऑक्सीजन चाहिए ले रहा हूं, मतलब जब मैं भाग भी रहा हूं और जितना डिमांड है, डिमांड को मैं सप्लाई कर रहा हूं, मेरे को जितना खाना खाना है उतना आटा मेरे पास आ रहा है घर में, तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरी प्रॉब्लम होगी मेरे को खाना खाना है, मेरे पास आटा नहीं है. I have to cook food, I have to do this thing. I do not have like a wheat flour or whatever, right? Rice or this thing. If I do not have a rice and I am hungry and I want to eat rice, what I have to do? I have to get rice, na? So when your body needs oxygen and you do not have oxygen, that is the problem. So when we sink this thing, right, left, the amount of oxygen is required, you are taking in. So there would not come a time when you have to stop to take extra oxygen. There would not come a time when you do. That comes when your body needed oxygen, but it does not have oxygen. Is this making sense? Someone can answer, like, is this making sense that we move ahead? Yeah, that or combination, like, definitely it works. Definitely, I agree with you.
it makes sense, right? Slow, yeah, sense. Fast combination, fast. All yeah. this. So then we'll take to next level. Okay, so I suppose it makes sense to everyone. So we'll move ahead. So we covered body needs oxygen, lungs need oxygen, energy चाहिए होती है, जैसे energy के लिए we'll cover later on diet, nutrition, कैसे dry fruit रख सकते हो, क्या चीज नींबू मौसमी कुछ ना कुछ रख सकते हो, body need that thing also, otherwise body will get tired, right? Like his muscle would not be able to hold for that long. वो चीज second part है, but body need oxygen. Today we are talking about oxygen and air. So when we do, पहले बैठ के करना first workout. What you guys, it's a homework thing. What you have to do is पहले करना, फिर करना, फिर उसको बढ़ा सकते हो, देन सिर्फ चलना, ट्राई टू सिंक, जब नहीं हो पा रहा सिंक रुक जाओ, तेज चलोगे फिर थोड़ा सा भागोगे, अगर ऑफ हो जाता है रुक जाना, फिर से स्टार्ट करना, राइट लेग, इन्हेल अभी अपन कर रहे हैं नाक से और एक्सहेल कर रहे हैं मुंह से, अभी अपन डिटेल में जाएंगे, नाक से बेटर है मुंह से बेटर है, बट बेसिक के लिए अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि मुंह से इन्हेल एक्सहेल, अभी बेसिक पैटर्न अपन ले रहे हैं नाक से इन्हेल मुंह से एक्सहेल, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में एक घंटा दो घंटा का हो सकता है ये चीज, बट मैं बेसिक कर रहा हूँ, बेसिक बात कर रहा हूँ, तो ये चीज करना, आगे जाके जो एडवांस में होगा अभी अपन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बेसिक है अभी, इस पे थोड़ा सा स्टडी करना, थोड़ा सा करना, वील हैव वील रिविजिट दिस नेक्स्ट सैटरडे, या व्हाट यार नम्रता, यू आर सेइंग उसको पहले प्रैक्टिस करके देख, हां इसको प्रैक्टिस करना, बट आई विल शेयर इन शॉर्ट, आई विल शेयर इन शॉर्ट कि आगे जाके अपन क्या करेंगे, आगे जाके अपन एक ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप करेंगे जो सबका अलग होगा, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न है, so when I'm running, I'm doing 2 inhale, 2 exhale. So that is in sync with my body and my feet. So whenever I go for run, I do not have to think. अब यो माइंड में बना हुआ है, बैठा हुआ है, वो मेरे लिए काम करता है. किसी के लिए काम कर सकता है. एक बड़ा इनहेल किया, दो एक्सहेल किया. अभी उस समय मत जाना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आगे क्या आएगा. ये सब होगा, फिर आगे आएगा. सिर्फ नाक से करेंगे तो क्या होगा, तो ये सब चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, और उसके बाद में मैं एक और चीज एडवांस में शेयर करूंगा, मेट्रोनोम बीट्स आएगी, एक ऐप है मेट्रोनोम, उससे बीट्स होगी, टक 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 टक, उससे अपन सिंक करेंगे सांस को, उससे अपन सिंक करेंगे पैर को, और इवेंचुअली अपन मेट्रोनोम वो बीट्स अपन सिंक कर देंगे सांस को भी और पैर को भी, तो वो तीन चीजें सिंक हो जाएगी, तो जब अपन छोटा रन के लिए जाएंगे, छोटा वॉक के लिए जाएंगे, इट विल हेल्प इन स्मॉल वॉक, स्मॉल दिस थिंग, ब्रिस्क वॉक एंड रनिंग ऑल्सो, सो दैट इज वेरी एडवांस, सो दिस वॉज बेसिक, इंटरमीडिएट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पैटर्न, यू गाइज विल फिगर आउट कि कौन सा पैटर्न तुम्हारे लिए काम कर रहा है, यू विल फॉलो दैट पैटर्न, एंड देन एडवांस में विल सिंक एवरीथिंग विद द मेट्रोनोम, एंड देन वी लेट गो ऑफ द ऐप एंड द मेट्रोनोम, देन इन फाइनल एम शुड बी माइंड, ब्रीदिंग and our running, our feet, all should be sync, kuch sochna nahi pade, running pe nikle, mera automatic ho gaya, bahut time se practice kar raha hu, bahut logon ko bataya hai, but aisa nahi hai, yehi perfect hai, sabka alag hota hai, sabka wo hota hai, aisa main nahi keh raha ki muh se exhale karna perfect hai, naak se inhale karna, but chhota sa share karu, to naak se jab apan inhale karta hai, to agar kuch germs ya kuch hai, to wo andar hair hote hain, wo thode filter kar deta hai na, to apan muh se exhale kar rahe hain, naak se inhale, but saans bada le rahe hain, सिर को ऐसे मत रखना, क्योंकि नहीं तो वो पाइप जा रहा है अंदर उधर तक, तो वो ब्लॉक कर देता है, वो पैर रख दोगे आप तो पानी नहीं आएगा, तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, अभी आप लोग जो शेयर करना चाहो वो शेयर कर सकते हो, कुछ समझ आया, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आई विल आंसर एवरीथिंग, बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि अभी बहुत आगे तक जाने वाले हैं, वही है कि मैं थोड़ा एक फोकस टाइम, आई कैन नॉट फोकस ऑन 1000 पीपल, बट स्मॉल ग्रुप आई कैन वेरी वेल फोकस ऑन दैट, तो ये चीज है, बाकी क्वेश्चंस, किसी का क्वेश्चन है, किसी को कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ गलत लगा, सही लगा, फील फ्री टू एक्सप्रेस।